अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। बैचलर्स गाइडलाइन इन बेल्जियम की हमारी आज की तीसरी वीडियो है रज़ा के साथ, और लास्ट टू वीडियोस जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, हमने डिस्कस किया कि एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, आप एडमिशन के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और आफ्टर यू हैव द एडमिशन आपने वीज़ा अप्लाई करना है, तो वीज़ा के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या स्टेप्स हैं। रज़ा ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। अब एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो ब्लॉग अकाउंट के साथ आते हैं, कि स्टूडेंट जॉब्स मिलती हैं नहीं मिलती, बंदा उससे कितना पैसा कमा सकता है, और स्टूडेंट जॉब्स के लिए बंदे को कहाँ पे देखना चाहिए, तो उस हवाले से रजा आप क्या कहेंगे? विद इन बेल्जियम की अगर बात की जाए तो इधर आपको लीगली स्टूडेंट को 475 आवर्स इन अ ईयर मिलते हैं कि आप जॉब कर लीजिए। और यहाँ पे पर आवर का रेट जो आपको मिलता है वो अराउंड 10 यूरोस डिपेंडिंग ऑन द जॉब। सही, तो अगर आप 10 को मल्टीप्लाई करें 475 से, तो आप अराउंड 4,750 यूरोस कमा सकते हैं लीगली, जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सही, लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें तो आप 475 से ऊपर भी कमा सकते हैं, लेकिन उसके उसके बाद आपको टैक्स देना पड़ेगा। सही है, और आपके एम्प्लॉयर को भी टैक्स देना पड़ेगा, वो दोनों के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती। सही, तो जो मैं कहना चाहूंगा बेसिकली कि आप 475 विद योर स्टडीज भी करना आसान नहीं है। सही, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाता है मेरे लिहाज से। सही। अच्छा, जॉब्स किस तरह की मिलती हैं स्टूडेंट्स को? अमूमन एक क्वेश्चन है हमेशा पाकिस्तान में जब होते हैं तो हमारे जहन में होता है कि क्या करना पड़ेगा। मेहनत, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फ्रंट एंड जॉब्स नहीं मिल सकती यहाँ पर। अच्छा, सही है। लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, जिसमें आप जिस तरह आप देखते हैं कि यूके कनाडा में जॉब ज़्यादा अवेलेबल क्यों है, क्योंकि वहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। सही, आप वेटर की जॉब कर सकते हैं, स्टूडेंट जॉब की बात करूँ तो आप किसी ग्रॉसरी स्टोर वगैरह में कैशियर कुछ भी आप कर सकते हैं। सही, लेकिन यहाँ पर आपको कोई फ्रंट एंड जॉब नहीं ऑफर करेगा, क्योंकि आपको लैंग्वेज नहीं आती। सही, क्योंकि और लैंग्वेज अगर हम मजीद कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो बेल्जियम में 3 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। सही, फ्रेंच, डच और जर्मन। जर्मन काफ़ी कम है, लेकिन फ्रेंच और डच तो काफ़ी वाइडली बोली जाती है, डिपेंडिंग ऑन द एरिया आप कहाँ रह रहे हैं। सही है। तो अच्छा, आप ये रिकमेंड करेंगे कि लैंग्वेज इंसान जब वीज़ा प्रोसेस कर रहा है या डिसाइड कर ले कि बेल्जियम आ रहा है तो लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे? जरूर, मैं अगर आपको लैंग्वेज आती है तो मैं कहूँगा कि आपकी जॉब के चांसेस 100% इंक्रीज हो जाते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हो जाते हो। सही, अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पर फिर वही जिस तरह मैंने बात की कि फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है कि आपको कोई 475 के बाद भी जॉब दे दे एम्प्लॉयर। अच्छा, क्योंकि आप उनके एक मेन एम्प्लॉय बन सकते हो साल के लिए। तो देन के अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आपको किचन में रखेंगे, आपके 475 आवर्स खत्म हुए, वो कहेंगे चलो दूसरा बंदा रख लेते हैं। सही। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है रजा का कहना है कि आपके चांसेस काफी 100% इससे भी ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब आप वीजा अप्लाई एडमिशन अप्लाई कर रहे होते हो और वीजा अप्लाई कर रहे होते हो, उसमें काफी आपको टाइम मिल जाता है, चंद महीने आपको मिल जाते हैं, उसमें इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप लैंग्वेज सीख लें। लैंग्वेज में भी रजा, जैसे आपने कहा कि डच जो नेदरलैंड्स है वो, या फिर फ्रेंच है जी, तो आप डिपेंड करता है कि अगर आप वालोनिया में फ्रेंच पार्ट में जा रहे हैं तो आप फ्रेंच सीखें, और अगर आप डच पार्ट में आ रहे हैं तो आप डच सीखना शुरू कर दीजिए। अच्छा रजा, उसके अलावा जॉब ढूंढने का क्या तरीका है? हम यहाँ पे आगे लैंग्वेज भी आती है, लेकिन कहाँ मिलेगी जॉब, कैसे ढूंढे, आपने कैसे ढूंढी अपनी जॉब्स? जिस तरह मैंने पहले पहली वीडियो में कहा था कि जल्दबाजी किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं होती है। सही है। तो आप अगर आए बेल्जियम तो आप पहले महीना, 2 महीने, 3 महीने ये एक्सपेक्ट करें कि आप जॉब नहीं कर सकते हैं। सही है। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको आपका वर्क परमिट आने में ही 2-2.5 महीने लग जाते हैं। सही है। तो उस दौरान आपको एक्सपेंस अपना खुद ही करना पड़ेगा, और फिर उस वर्क परमिट के आने के बावजूद भी हो सकता है कि, क्योंकि यहाँ पे जॉब आसान नहीं है जिस तरह मैंने कहा लैंग्वेज की वजह से, आपको 1-1.5 माह और लग जाए। सही, ठीक है। तो आपको शुरू में आपको एक टाइम पीरियड रख लेना चाहिए कि इसमें 2-3 माह मुझे मेरे पास मेरे पैसे हो। सही है। जिस तरह हमने पूछा किस तरह मिल सकती है, तो मैं इसका यही कहूँगा कि
यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे जॉब नहीं मिलती है, जिस तरह हम देखते हैं कि ऑन कैंपसेस जॉब करते हैं लोग सही है। यूके में, कनाडा में, ऑन कैंपस। इधर यहाँ पे ऑन कैंपस डाचपो ली जाती है, फ्रेंथ को ली जाती है, तो वो उन स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं। आप जो जॉब एक्सपेक्ट करें वो फ्रंट एंड वाली जॉब ना एक्सपेक्ट करें, आप कोई मैनुअल लेबर या कुछ भी इस तरह का, अंटिल अनलेस आप बहुत, आपको किसी चीज़ में महारत हासिल है, जिस तरह आप डेटा में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सही आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि चांसेस बहुत कम है। ठीक किस तरह ढूंढनी है, तो यही है कि आप अपनी एक CV बनाते हैं, सही और स्टूडेंट जॉब आप यूजुअली देखते हैं कि विद इन द रेस्टोरेंट्स होती हैं, या ग्रोसरी स्टोर्स में होती हैं, या कुछ भी इस तरह की ही स्टूडेंट जॉब होती हैं, अगर टेक अवे डिलीवरी जॉब्स, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सही यूजुअली टेक अवे जिस तरह एक डिलीवरी कंपनी है, सही आप उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें, दे विल कॉल यू इफ दे नीड यू। और इस तरह अगर आप बाकी जॉब्स का देखें, तो आप हर जगह अपनी CV देते रहते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट जॉब, आई एम लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट जॉब, इफ दे नीड अ पर्सन दे विल डेफिनेटली कॉल यू, लेकिन फिर आसान नहीं होता। सही। चांसेस कितने हैं रजा, अगर लैंग्वेज नहीं आती एक बंदे को लेकिन स्टिल वो आ जाता है, कितने चांसेस हैं? मतलब ओके मुश्किल है, लेकिन आउट ऑफ 100 लेट से कितने चांस हैं कि बंदे को स्टूडेंट जॉब मिल जाएगी? काफ़ी चांसेस हैं, सही मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे ना, अगर आप हारेंगे नहीं कि यार आपने एक जगह अप्लाई किया आपको नहीं आया, आपने दूसरी जगह किया आपको नहीं आया, सो फोर्थ, आपने 10 जगह पे अप्लाई किया आपको नहीं सही आया, ठीक है, लेकिन आप जिधर रुक गए आप समझे कि फिर वहाँ पे आपकी परेशानी दर हकीकत वहाँ से शुरू हुई है। सही आपने हर जगह अप्लाई करते रहना, तो देर विल बी अ चांस कि आपको मिल जाएगी, एट अ सर्टेन पॉइंट कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगी। सही तो मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से हर बंदे को जॉब मिल जाती है, बेशक उसको अपनी चाहत जो जिस तरह की वो जॉब करना चाह रहा था वैसी ना मिले, जिस तरह वो उसकी प्रेफरेंस थी कि यार मैं किचन में ना जॉब करूँ, सही ठीक है, लेकिन उसको वो मिल रही है, तो उसको वो ही हैज टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, सही है। मतलब मर्जी की जॉब का इंतजार ना मर करें कि ना करें, बिल्कुल अपनी मर्जी की, लेकिन मिल जाती है अगर मिल आपका जाती है। सफर आप करें। अपने 475 अगर मेहनत करें, तो आप 475 खत्म कर सकते हैं अपने, सही और आप अपना एक्सपेंस काफ़ी हद तक खुद मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही बात करूँगा कि इट्स नॉट ईजी विद योर स्टडीज़ कि आप अपनी बहुत ज़्यादा जॉब 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 करते रहें, सही इलीगल जॉब्स करें, सही कुछ भी करें, तो मेहनत करें तो काम हो सकता है, मेहनत करें तो हो मेहनत सकता है। करें, जी जरूर बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलना। रजा, और वर्क कल्चर कैसा है यहाँ पे, स्टूडेंट्स को कैसे ट्रीट करते हैं बेल्जियम में, आपने इतने अरसे में कैसा देखा? जी मैंने तो यही देखा है कि बहुत अच्छा आपको ट्रीट किया जाता है हर जगह पे, और जिस तरह आप यूरोप की बात करते हैं इक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है इधर, और मुझे एज सच कुछ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि जहाँ पे मुझे कुछ ऐसा कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ ऑन सही द सही जॉब। तो काफ़ी आपको रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट मिलती है, अगर आप काम अच्छा करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, अगर सही नहीं करेंगे तो फिर एम्प्लॉयर तो आपको। सही सही ठीक। चलिए रजा, बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया। फर्दर अगर कमेंट्स क्वेश्चंस आते हैं जी तो हम आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे, और आपसे मैं ज़रूर फर्दर क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ताकि स्टूडेंट्स जो मजीद जी जानना चाह रहे हैं उनको हेल्प आउट हो सके। कोई लास्ट मैसेज अगर आप ऐड करना चाहें। लास्ट मैसेज मैं यही कहूंगा कि आप अपनी जॉब के हवाले से परेशान इतना ज्यादा ना हुए, जब आप आए सही विद इन वीक्स और मंथ्स आपको जॉब मिल जाएगी, सही लेकिन उस दौरान अपने फाइनेंसेस मैनेज करके आइए, यहाँ पर सही आके परेशान होकर अपनी पढ़ाई भी ना खराब कर लें कि मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, सही मैं कैसे करूँगा, ये सही कैसे होगा, तो टाइम के लिहाज से आपको, आप यहाँ का कल्चर देखेंगे, वो अडेप्ट करेंगे, और इस तरह की चीज़ों के बाद आप इंशाल्लाह आप सही अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज कर सकते सही हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। बैचलर्स इन बेल्जियम की ये हमारी थर्ड वीडियो थी। अगर और वीडियोस की डिमांड है तो हम ज़रूर बनाएंगे, और वीडियो को अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड से भी शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।